तिमाही नतीजों का, और एनएमडीसी ने कल दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी किए थे। मुनाफा 53% बढ़ा था और आय में 45% की बढ़त देखने को मिली थी। मार्जिन में भी 11% का दमदार उछाल देखने को मिला है। और नतीजों को कहां से सपोर्ट मिला और आगे के लिए क्या है कंपनी की रणनीति और आउटलुक, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के सीएमडी सुमित देव। सुमित जी आप बहुत शुक्रिया सर, आपका जी बिजनेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नतीजों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये बताइए कि डोनीमलाई माइन फिर से कब शुरू होगी और मौजूदा स्थिति क्या है अभी? तो हमारी जो डोनीमलाई माइन है, ये सरकार ने परमिशन दिया था हमको स्टार्ट करने के लिए। कुछ इश्यूज थे, कुछ फॉरेस्ट के कुछ इश्यूज थे, वो अभी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रेज की थी, तो दैट इज वाई हमें इसको रोक लगानी पड़ी। बट अभी इमीडिएटली फिर हमने बातचीत स्टेट गवर्नमेंट से चालू किया है और हमें उम्मीद है कि अगले नेक्स्ट 2-3 दिन में हम चालू कर देंगे डोनीमलाई माइन। तो सर क्या हम ये माने कि डोनीमलाई माइन जो है अभी बंद है? आई स्टिल क्लोज, अभी बंद है, बट हमारी बातचीत हो चुकी है और हमने सरकार से स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत कर रखी है और हमें उम्मीद है कि ये नेक्स्ट अगले 2-3 दिन में हम ये स्पाइस को चालू कर सकते हैं। ठीक है सर, चलिए नतीजों पर बात करेंगे। कंपनी की जो ग्रोथ है थोड़ी सी इरेशनल लग रही है, क्या ये पिंटअप डिमांड की वजह से और क्या डिमांड की जो स्थिति है वो आप सस्टेन कर पाएंगे आगे? नहीं, कुछ हद तक तो पिंटअप डिमांड है, डेफिनेटली कुछ स्टॉकिंग हुआ है इन बिटवीन, जो स्टील का एक पैंडेमिक के कारण जो एक सिचुएशन आया था, तो उसमें थोड़ा स्टॉकिंग हुआ है, थोड़ा पेंटअप डिमांड है, डेफिनेटली पेंटअप डिमांड है। तो आगे जाके थोड़ा बहुत इसमें स्टेबिलिटी आएगी, थोड़ा सा फ्लैटनिंग होगा डिमांड का। ऑब्वियसली ये पेस पे तो नहीं चल सकता, बट कुछ स्टेबिलाइज करेगा, करेक्शन होगा थोड़ा बहुत, एंड अकॉर्डिंगली फिर बटन डिमांड लुक्स वेरी गुड एंड वी आर वेरी पॉजिटिव। ठीक है, डिमांड पॉजिटिव है आप उसको लेकर भी। सर ये बताइए कि एक्सपेंशन को लेकर, क्षमता विस्तार को लेकर कंपनी की क्या योजनाएं हैं? तो हमारी केपेक्स की जो ये थी टारगेट थी हमारी करीब 1900 करोड़ की थी टारगेट थी, और हम इतना कर लेंगे इस साल, हमारी ये टारगेट है और हमारा इतना केपेक्स होगा। शुरुआत में थोड़ा सा हमारी केपेक्स में कोविड के पैंडेमिक के हिसाब से कुछ कम हुआ है, बट अभी हमारा काफी पिकअप कर गया है इन टर्म्स ऑफ, हमारी मेजर कैपेक्स स्टील प्लांट में ही जाती है, स्टील प्लांट और हमारी जो स्लरी पाइपलाइन है, स्क्रीनिंग प्लांट है, ये सब में ज्यादा हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग है, हमारी हैवी इक्विपमेंट्स परचेज है, तो हमारी अभी पिकअप कर गया है और हम जो हमारी जो टारगेट है 1900 करोड़ की, वो हम कर लेंगे। ठीक है सर, एक चीज और जानकारी आप चाहेंगे, क्या आपको लग रहा है कि जो FY20 के जो आपके प्रोडक्शन के और सेल्स के जो फिगर्स थे उसको आप सरपास कर लेंगे? और ये बताइए कि नेक्स्ट फिस्कल के लिए आपके टारगेट्स क्या हैं? डेफिनेटली हम पिछले साल का टारगेट, पिछले साल की जो हमने जितना किया था उसको हम डेफिनेटली पार करेंगे। हमारी ये दैट्स आवर 35 मिलियन टन, 35 मिलियन टन की हमारी टारगेट है और हम सोचते हैं कि हमारी ये टारगेट हम अचीव करेंगे। नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा ये टारगेट हम अनाउंस किए हैं और 40 मिलियन टन करने का हमारा सोचते हैं कि हम 40 मिलियन टन करेंगे। तो थिंग्स आर लुकिंग काफी ब्राइट है, पॉजिटिव है, हमें लगता है कि हम ये टारगेट कर पाएंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और नतीजों के अलावा कंपनी के आउटलुक पर बातचीत करने के लिए और डायरेक्शन हमसे शेयर करने के लिए।